तो आज मैं बनाऊंगी आपके सामने कस्टर्ड आइसक्रीम वैनिला फ्लेवर की। तो आपको बता दूं, आप मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैंने एक कप दूध लिया है। एक कप दूध के अंदर मैं 2 चमचे के करीब कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, 2 चमचे के करीब वैनिला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। हल्का हल्का सा डालेंगे ताकि लम्स ना बने। ठंडा दूध लिया है, इसको अच्छे से घोल लेते हैं। अच्छे से घुल गया है, इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देंगे। इसको अच्छे से घोल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने ये घोल दिया है हमारा कस्टर्ड पाउडर। एक बार ये आप नीचे ऐसे घुमा के चमचे को और चेक कर लीजिए ऐसे खुद के कि नीचे जमा तो नहीं है। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है, दूध का, ठंडे दूध का बनाया है। तो इसका ये प्रोसेस हमारा ख़त्म हो चुका है और अगला प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। 1/2 kg मिल्क लिया है, इसको मैं उबाल लूँगी। पहले एक उबाल आने दूंगी, इसमें हाई फ्लेम रखी हुई है मैंने गैस की। अब इसको हम एक उबाल आने देंगे। हल्के से बबल्स आ रहे हैं दूध में, तो इसमें उबाली आने वाली है थोड़ी देर तक। तो इसमें उबाली आ रही है, आप देख सकते हो। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं झट से, और इसको ऐसे खदकने देते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम बंद कर देते हैं हम गैस को, मैंने गैस बंद कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए नीचे बैठने देंगे। इसको मैं गैस से उतार रही हूँ थोड़ी देर। अब मैं फ्लेम चालू करूँगी, मैंने फ्लेम चालू कर दिया है, हाई फ्लेम ही है। अब इसको थोड़ी सी लो कर देंगे, इसको बंद कर देंगे फिर से। आपको पता ही होगा ऐसे ही बंद करते जाएंगे। 2 उबाली दे दी है मैंने इसमें, इसको थोड़ा और ठंडा होने देंगे। अभी ये बहुत गर्म है। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरा दूध खदक रहा है, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है। अब इसमें हम कस्टर्ड डाल देते हैं। पहले एक बार ही आपको बता दूँ, जो कस्टर्ड है उसको एक बार ही ऐसे चमचे से घोल लेना, क्योंकि नीचे गाँठे भी जम जाते हैं कई बार ही। तो ऐसे कर लेंगे। मेरा दूध आप देख सकते हो ऊपर आने वाला है, और इसमें मैं पहले कस्टर्ड डाल देती हूँ जो पेस्ट बनाया है। इसमें कस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे, कस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है, इसको हम घोल देते हैं। कस्टर्ड पेस्ट को ऐसे ही घोल देंगे। आपको ये याद रखना है कि 2 मिनट 2 उबाली देने के बाद इसमें कस्टर्ड का पेस्ट जो बनाना है वो डाल देना है, और उसके बाद 5-7 मिनट इसको गाढ़े होने तक खदकाते रहना है। उबाली नहीं देनी, खदकाना है लो फ्लेम पे। मेरी बिल्कुल ही लो फ्लेम है, थोड़ी सी तेज कर देती हूँ। इसके अंदर करछी डाल के रखनी है हमने ऐसे ही, और इसको लो करके रख देते हैं। ऐसे ही लो करके रख देंगे और इस प्रकार से करते जाएंगे। इसको 5-7 मिनट ऐसे ही कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, अभी उबलने देंगे इसको गैस पे थोड़ी देर। करछी डाल के उबलने देंगे। हम थोड़ा सा हमारा उबल रहा है दूध, तो इसमें थोड़ी सी दाखें डाल देते हैं। किशमिश डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये भी ताकि थोड़ी सी बॉइल सी हो जाए, खाने में टेस्टी लगे, फूल जाए थोड़ी सी। देख सकते हो हमारा दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। इसी प्रकार से हम इसको गाढ़ा होने देंगे थोड़ी देर। अब देख सकते हो कैसे ये मेरी कड़छी पे चिपक गया,
मलाई मलाई इसकी जो होती है वो थोड़ी देर खदकाएंगे इसको। इस प्रकार से इसको हमने दो उबाली देके कस्टर्ड पाके फिर हमने इसको 15 मिनट बस रिझाना है। अब मेरा ये दूध तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो ये आधा हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने इसमें राखें भी डाली हुई हैं, देख सकते हो। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, अब उसके बाद इसको फ्रीज करेंगे। चुका है, इसमें मैं आधी कौली के करीब चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। इसको घोल लेते हैं, चीनी को ऐसे नहीं घोलेंगे हम, ऐसे तो घुलने नहीं वाली है। थोड़ी सी गैस में एक उबाली देके गैस पे फिर इसको घोल लेते हैं चीनी को। आपको बता दूँ, एक मिनट रिझाने के बाद मेरी सारी चीनी घुल चुकी है, आप देख सकते हो एक भी चीनी का दाना कड़छी में नहीं आ रहा और ना किर किर कर रहा है चीनी का दाना नीचे। आपको बता दूँ सी हमारी चीनी घुल चुकी है, तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब मेरी गैस बंद है ना, जो आइसक्रीम वाला दूध गर्म किया था वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने इसको फैन के नीचे रखा हुआ है। तो आपको बता दूँ इसमें थोड़ा सा स्कैश डाल देंगे टेस्ट के लिए। दो चमचे के करीब, एक चमचे के करीब इसमें स्कैश डाल देंगे। इसको घोल लेती हूँ मैं अच्छे से। इसमें मैंने ड्रॉप्स डाल दिया है, आई मीन स्केच वो मैंने डाल दिया है, तो इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, पिंक कलर बन गया है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा और ठंडा होने दूँगी, फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो जिसमें मैंने इसको फ्रीज करना है उसमें मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो रहा है अभी, थोड़ा गर्म है बट टच करने के लायक है। तो मैं आपको बता दूँ है थोड़ा ताज़ा ताज़ा हो गया है, अब इसको थोड़ा और होने देंगे 2-3 मिनट तक, फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आइसक्रीम जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको फॉइल पेपर से ढक देती हूँ ताकि जो आइस है वो इसके ऊपर ना पड़े, और इसको जब आप इसको ठंडी होने के बाद चेक करें तो प्लीज़ एक बार इसमें चमचा ज़रूर घुमा दें ताकि जो मलाई ऊपर आ जाती है वो ना आए। तो इसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, फ्रीजर में लगा देती हूँ इसको मैं। तो आप देख सकते हो मेरी आइसक्रीम बिल्कुल बनके तैयार है, देख सकते हो। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको, मैंने इसमें चेरी भी डाल दी थी, कितनी सॉफ्ट टेक्सचर आया इसका आप देख सकते हो, अंदर से भी दिखा देती हूँ आपको मैं। तो इसका आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसको मैं सर्व करने जा रही हूँ।